हेलो फ्रेंड्स, तो आप लोग लास्ट ब्लॉग में वेडनेसडे इवनिंग तक का ब्लॉग देख चुके थे। तो उसके बाद ये वेडनेसडे नाइट हो गई थी और 30 अगस्त, जिस दिन रक्षाबंधन का मुहूर्त था, 9 o'clock मतलब 9 PM से। तो भैया आ चुका था मतलब रक्षाबंधन के लिए, क्योंकि मैं जा नहीं पाई थी। रात था इवन, मतलब हस्बैंड भी उसी दिन आए थे पटना से। तो अभी हस्बैंड आ चुके हैं, उनकी भी तबीयत ठीक नहीं थी, फीवर उधर से लेकर आए थे। और एक तरफ मतलब भैया के आने की खुशी थी, तो दूसरी तरफ ना मतलब थोड़ा सा मन छोटा था। छोटा भाई नहीं आ पाया क्योंकि ना उसी दिन सब रेडी थे, लेकिन उसी दिन उसे हाई फीवर हो गया, खांसी बहुत हो गई। तो अभी ना हर जगह ये फीवर फैला हुआ है। तो इधर भैया को राखी बांधते हुए भैया इधर मुझे गिफ्ट दे दिया था। उसके बाद हम लोगों का फ़ोटो सेशन चल रहा था। और इधर जिया और मिस्टी ना, ये भैया ये दोनों के लिए ड्रेस लेकर आए, दोनों रेड रेड पहन के। बाद में बदमाशी शुरू हुई और बाद में इन दोनों का नाचो नाचो शुरू हो गया। तो अभी जिया का ये हाल है ना कि मिस्टी जो कुछ करती है वो कॉपी करती रहती है। तो रक्षाबंधन के बारे में आप लोग को पता ही है कि इस बार रक्षाबंधन 2 दिन हो गया, 30 को रात में और 31 को अर्ली मॉर्निंग। अर्ली मॉर्निंग इन द सेंस कि 7:46 AM तक ही मुहूर्त था। तो काफ़ी मुश्किल, मतलब ना ऐसा एक तो वीक डेज ऊपर से ये और टाइम, तो काफ़ी मुश्किल हो गया था। तो उधर से मैं आ गई थी कि मैंने बताया था आप लोगों को कि छोले भटूरे बनाए थे, तो छोला खीर ये सब रेडी हो गया था। इधर मैं भटूरे निकालने लगी थी क्योंकि भैया को फिर निकलना भी था। भाभी और गिन्नी तो नहीं आए थे क्योंकि उसका भी एग्ज़ाम है, डोमेस्टी का भी एग्ज़ाम है, और फिर जल्दी जल्दी में आना जाना मुश्किल हो जाता। तो इसीलिए तो यहाँ पे भटूरा बनाने के बाद मैं ना इन बाकी सबको खाने पर बिठा दी थी, और इधर मैं गरम गरम निकाल के दे रही थी क्योंकि भटूरा ना ठंडा हो जाएगा तो मज़ा नहीं आएगा। तो सब लोग बैठे हुए थे तो थोड़ा टाइम लग जाता, तो फटाफट मैं जल्दी जल्दी कर रही थी। नेक्स्ट डे मतलब ना थर्सडे मॉर्निंग को भी ना मन्नू जो मेरा कज़न है, वो इधर ही दयानंद सागर कॉलेज के पास रहता है, तो वो फ़ोन किया कि मैं सुबह आऊँगा राखी बंधवाने। तो हम लोग उससे मज़ा मतलब फ़ोन पे ही ना हम लोग उससे चिढ़ाते क्योंकि वो सुबह 3-4 बजे सोता ही है, तो उठेगा कब ये पता नहीं। तो मुझे डाउट था कि वो सच में आएगा, लेकिन वो सच में आ करके फ़ोन करता है सुबह सुबह। तो ये भटूरा मेरा हो गया था, भैया और हस्बैंड मिस्टी ये लोग सब खाने बैठ गए थे। तो उसके बाद ना भैया चला गया था, और फिर ये थर्सडे मॉर्निंग फटाफट मैं जल्दी जल्दी उठी क्योंकि झाड़ू लगा के, क्योंकि 7:45 तक ना मतलब घर का पूजा भी करना था, फिर राखी भी बांधनी थी, और फिर कल रात को ही अंशु आई थी मतलब मेरी मौसी की बेटी, तो वो भी राखी वाखी बांध के, और वो भी जल्दी में थी कि मुझे जाना है, मेरी क्लास छूट जाएगी, तो इसीलिए वो भी बैठी थी। तो उतने देर में ना मतलब 7:45 तक घर का काम करना, पूजा करना, फिर उसे राखी, मतलब एक सर्टेन टाइम जब आपको मिल जाता है ना तो मतलब लगता है कि हरी भरी हो रही है। तो इधर पूजा करने के लिए धर्मिष्ठी भी हनुमान जी और कृष्णा जी को राखी बांध रही थी, इधर मैं भी। तो कुछ लोग बोलते हैं ना कि नहीं मतलब भाई नहीं है तो राखी कैसे बंधेगी। तो दोनों बहनों के बीच में अब काफ़ी समय चेंज हो गया है, बहनें भी भाई बन सकती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो मेरी दोनों बेटियां ही राखी खुद में ही बांधती हैं, इवन पापा को भी बांधती हैं, और मिस्टी तो ना पापा से भी राखी बंधवाती है, आप आगे देखेंगे। तो जो जैसा जिसको जिसने भगवान ने जो दिया है उसी में खुश रहना चाहिए। तो यहाँ पर ये सुबह पूजा करने के बाद मनु आ गया था, और उसके बाद मैं उसे राखी बांधने लगी थी। और वो ना मतलब अपनी सारी बहनों का, पता नहीं कितनी सारी बहनों का राखी लेकर आया था। पूरा मतलब बांध देने के बाद ना हम लोग बैठ करके काउंटिंग कर रहे थे, तो टोटल 9 राखियाँ निकली। तो इधर वो सब मुझे दे दिया था, तो मैं वन बाई वन में बोली कि मनु ये तो काफ़ी टाइम लगेगा भाई ओपन करने में। तो मिस्टी भी मेरी हेल्प कर रही थी निकालने में, और उससे ना मतलब मिस्टी को ना बड़ा मज़ा आता है लोगों को बांधने में भी और खुद भी। तो बच्चे ऐसे ही होते हैं, मिस्टी बोल रही है मुझे भी कोई बांध दे, तो फिर उसे भी उसके पापा ही उसे बांधते रहते हैं। और फिर अब भगवान जी को मतलब जो राखी बांधते हैं उसके बाद एक एक ले करके सबको, मतलब उसके पापा को मिस्टी को सबको एक रक्षा धागा। राखी का मतलब क्या है, एक ऐसा बंधन जो प्यार का है, जो किसी के साथ भी किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ भाई और बहन का ही है। तो अगर जिस किसी को भी भाई नहीं है तो ऐसे ही कोई भी ना मतलब
सैड होने की बात नहीं है कि हाँ भाई नहीं है तो हम राखी नहीं मना सकते, किसी के साथ भी राखी मना सकते हैं, बस ज़रूरत है प्यार होने की, प्यार बनाए रखने की। तो यहाँ पर मनु का वन बाई वन ना मैं राखी बांधे जा रही थी। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना, मैं बहुत सारे मतलब फेसबुक पे भी मैं पोस्ट पढ़ी थी, बहुत सारी ऐसी लेडीज थी जो बोल रही थी रक्षाबंधन के दिन ना मैं उदास हो जाती हूँ, मुझे बेटा नहीं है, दो बेटियाँ हैं, तो वो कैसे राखी बांधे। भाई दोनों को राखी बंधवा दो, दोनों एक दूसरे के लिए भाई बहन दोनों बन सकते हैं, इसमें सैड होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। भगवान ने जो दिया है सोच समझ कर अच्छे से दिया है, तो भगवान से ज़्यादा अच्छा सोचने वाला और कोई नहीं हो सकता। कम से कम ये खुशी है ना कि दोनों एक दूसरे के लिए है, तो अकेले बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पर उसका टोटल और हम लोग ना बैठ के काउंट कर लिए थे कि 9 राखियाँ। उसके बाद मिस्टी शुरू हो गई थी पापा को राखी बांधने के लिए, और जिया ना मतलब जिया को वो जब बोल रही थी तो जिया बोलती थी पहले पापा को करो, और आप देख ही रहे हैं वो कैसे पापा का चेहरा देख रही थी खड़े होकर के, पीछे मुड़ मुड़ के बार बार देखती थी, कभी हाथ देखती है, कभी टीका देखती है, कभी दिया को देख रही थी। तो दिया को देख करके ना वो आरती ले रही थी, जय 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 बोल रही थी, ये देखो वही हाथ दे रही थी कि जय जय करना है उसे। तो काफ़ी अच्छा लगता है ये सब देख करके बच्चों का। तो यहाँ पर अब मिस्टी करेगी जिया को, अभी पापा को मिठाई खिलाने जा रही थी, उसके हाथ में रोली लगा था तो उसने लेफ्ट हैंड से ही खिला दिए, देखिए कुमकुम लगा हुआ था। तो मतलब इन दोनों का तो एक अलग ही बॉन्ड चलता रहता है। कल तो आपको लास्ट व्लॉग में आप लोगों ने देखा ही होगा, पापा के आने के बाद खुश होने की जगह मिस्टी पूरा रो रही थी, आप इतने दिन के बाद आए, लेट आए, ऐसा वैसा। अब मिस्टी का जिया को राखी बांधना शुरू हो गया था, तो मैं उसे बताया थी कि लाओ मैं बांध देती हूँ उसे। और जिया को ना मतलब वो यूनिकॉर्न वाली राखी लेकर आए थे, तो उसको ना बांधनी नहीं थी, उसे हाथ में लेकर के उसे देखना था, काफ़ी खुश हो रही थी देख करके। बच्चों को कार्टून वाली चीज़ें ज़्यादा पसंद आती हैं, तब ये मिस्टी को जिया की भी आरती इधर हो गई थी। जिया बस चुपचाप देखे जा रही थी कि आखिर हो क्या रहा है। लास्ट ईयर के राखी में जिया मुश्किल से 6-7 मंथ्स की थी, तो लास्ट ईयर उसे उतना समझ नहीं आया था, इस बार थोड़ा कुछ ज़्यादा मतलब देख रही थी, समझ रही थी चीज़ों को। अब मिस्टी को राखी बन रही थी, उसके पापा उसे राखी बांध रहे थे। तो और उसके बाद आज फिर वर्किंग डे था, नेक्स्ट डे से मतलब फ्राइडे से मिस्टी का एग्ज़ाम था, तो फिर मन्नू चला गया था, सब कुछ हो गया था क्योंकि जल्दी हम लोग उठे थे। उसके बाद ना पता नहीं क्यों आज बहुत गर्मी थी, तो मैं ड्रेस चेंज कर ली, मुझे बहुत गर्मी लग रही थी। उसके बाद ना मैं ये सब कुछ ठीक करने लगी, फिर से ये सोफ़ा दीवान सब मैं सो के रखा था, सब कुछ झाड़ के क्लीन करके उसके बाद ना मैं रूम में आ गई। रूम में एक्चुअली क्या था, ये जो ड्रेस मैं फोल्ड कर रही हूँ, मैंने पहले निकाला कि मैं ये पहनूंगी, लेकिन पता नहीं ये ड्रेस मुझे टाइट हो गया, शायद मैं मोटी हो गई, पता नहीं। तो फिर उसे निकाल के फिर मैं जल्दी में ना यही वाला ड्रेस निकाल के पहन ली थी, इसीलिए इन सबको ना बेड पे ही बिखरा पड़ा था, क्योंकि उस वक्त एकदम टाइम पकड़ने की जल्दी थी, तो उतना टाइम था नहीं कि मैं इन सबको अच्छे से रखूँ और फिर जा कर के काम करूँ। तो इसीलिए अभी मैं आ गई थी कि अभी मैं फ्री हो गई थी, क्योंकि खाना भी कुक भैया आकर बना कर चले गए थे, तो इन सबको फोल्ड करके मैं हटाने लगी थी। उधर जिया की बदमाशी आप देख ही रहे हैं, उसे ना पता नहीं ब्लैंकेट देखते ही ना सोने का मन होता है। उसके बाद ना मैंने अपना मतलब इयररिंग मुझे चेंज करना था, तो मैं वही करने लगी थी, क्योंकि आज थोड़ा टाइम काफ़ी मतलब होता है ना, जल्दी आप उठ जाओ तो काम जल्दी हो जाते हैं, तो टाइम आपके पास हो जाता है, बट नींद हमारी पूरी नहीं हुई थी, क्योंकि वेडनेसडे नाइट को भी हम काफ़ी लेट सोए थे, और थर्सडे को टाइम मतलब जल्दी पूजा वगैरह करना था, सब कुछ सब काम था, तो इसलिए जल्दी उठ भी गए थे। उसके बाद फिर ये बेड की तरफ वो जिया चली गई थी, तो उसका ब्लैंकेट वगैरह, और उसी वक्त बेड ठीक करने लगी थी, क्योंकि जिया ना मतलब मिस करके चली गई थी, और जब तक वो रहती है तब तक आप कुछ कर नहीं सकते हो, तो उसे नहाने के लिए भेज दिया था, क्योंकि वो नहाई नहीं थी, बिना नहाई उसका राखी बांधा था, क्योंकि वो उसी वक्त उठी थी, ज़्यादा टाइम हमारे पास था नहीं, तो हमने कहा कि बच्चे के लिए सब माफ़ होता है, छोड़ देते हैं। तो ये बेड हो गया था, तो मैं ये पिल्लो वगैरह ना बेड पर ना बेड से ज़्यादा ना पिल्लो ही हो जाते हैं, रात को ये लोग और 2-4 पिल्लो सब मतलब मिस्टी साइड में लेके सोती है, बीच में डालती है। और जिया का ना ये बेड मैं लगा दी थी कि आंटी आएंगी तो सुलाएंगी जब भी सोना। उसके बाद मैं कॉलेज चली गई थी, कॉलेज से आकर ना मैंने सोचा कि मतलब चना सोख किया हुआ था, तो उसका ना भाजिया बनाएंगे, क्योंकि वो
राखी वाले दिन पूर्णिमा दिन ना बोलते हैं कि कढ़ी चावल बनाओ, वो भी अच्छा होता है, जैसे खीर पूरी बनती है ठीक उसी तरह। तो मैंने वो चना जो सूप था उसका मैं भजिया पहले बनाने लगी, पकौड़े। मिष्टी को भी पसंद है तो मैंने सोचा बहुत दिन हो गए चलो बना देते हैं। तो आज मैंने सोचा कि चलो कुछ नया ना, थोड़ा सा कुछ अलग ट्राई करते हैं। तो मैंने पहले तो ये पकौड़े निकाल लिए जो मतलब ज़्यादा थे। मैंने ऑनियन चॉप किया, उस चने में डाला बेसन, हल्दी और नमक, ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि चिली डालने के बाद वो खाएगी नहीं। तो ये भजिया बनाने के बाद मेरे दिमाग में सडनली आया कि चलो अभी कढ़ी तो बनाना ही है, क्यों ना बड़ी की जगह ना इस पर कुछ ट्रायल करते हैं। जैसे आप लोगों ने ना मतलब ये मेरे एक दो वीडियो में देखे होंगे चने वाली कढ़ी, तो वो चने को देख करके मैं कढ़ी बनाई हूँ, एक दो वीडियोज़ में होंगे मेरे, आप अगर चाहें तो देख सकते हैं। और ये जो मतलब पकौड़ी जो है ना, तो इसमें प्याज दे करके मैंने बनाया था। तो उसके बाद मैंने सोचा ना कि क्यों ना इसी पकौड़ी को, जैसे पकौड़ी वाली कढ़ी बनाते हैं, तो आज इसके साथ कुछ ट्रायल किया जाए। तो यहाँ पर भजिया ना जितना भी वो मैंने बना के रखा था उधर बाउल में देख रहे हैं, तो वो मैंने डाल दिया था। और उसके बाद मैं कढ़ी का घोल तैयार करने लगी थी, आप साइड में मुझे देख रहे हो। और उधर कुकर में मैंने राइस चढ़ा दिया था क्योंकि हस्बैंड को ऑफिस भी जाना था, तो कॉलेज से आते ही मैं इन सब कामों में लग गई थी फटाफट। कॉलेज से मैं थोड़ा जल्दी परमिशन लेकर के आज आ गई थी अराउंड 11:30। तो ये कढ़ी का घोल, तो कढ़ी का ऐसा है ना कि घोल जितना अच्छा आप बनाओगे उतनी अच्छी कढ़ी बनेगी, मतलब उसको फेंटना। उसके बाद फिर वो पकौड़े बन गए थे। उसके बाद थोड़ी देर में मैंने थोड़ा सा मेथी, थोड़ा सा जीरा और उसके बाद थोड़े से लहसुन, गार्लिक और करी पत्ता दे दिया। और उसके बाद ये ब्राउन हो गया था। उसके बाद वो जो घोल मैंने बना के रखा है वो घोल इसमें दे देंगे और उसे फिर चलाते जाएंगे। तो यहाँ पर लहसुन को मैं देख रही थी कि मतलब हुआ है या नहीं, तो ये हो गया था। अब मैं फिर से घोल को मिला के मैंने इसमें डाल दिया और अब फिर इसे चलाते जाएंगे, क्योंकि कढ़ी का ऐसा है ना कि अगर आप मतलब चलाओ नहीं तो बीच में से फटने लगता है। तो कढ़ी अच्छी बनाने के लिए ना आपको चलाते रहना बहुत ज़रूरी होता है। तो वही था, मैं आज भी सुबह तक ना बस वेट कर रही थी कि बिट्टू मतलब छोटा भाई की तबीयत ठीक हो जाए, तो काश वो आ जाए। मैंने सोचा कि मैं जाऊं तो उसने मना कर दिया कि नहीं दीदी अभी बहुत मतलब वायरल जैसा फैला हुआ है तो मत आओ, बच्चे हैं घर में, कहीं हम लोग की वजह से उन बच्चों को ना हो जाए, तो इसलिए रहने दो। मैंने राखी बांध ली है, तो फिर पता नहीं 2-3 सालों से ऐसा ही चल रहा है ना, दोनों भाई को एक साथ मैं राखी बांध ही नहीं पा रही हूँ। हर साल मैं मिस करती हूँ ये चीज़, मतलब पिछले 2-3 सालों से। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट व्लॉग में फिर मिलेंगे, क्योंकि फ्राइडे के ब्लॉग में ना कुछ एक यूनिक सी रेसिपी मैं बताने वाली हूँ, कुछ बनाने वाली हूँ स्वीट डिश। तो नोटिफिकेशन ऑन रखिएगा और जल्दी ही मिलेंगे कल फिर से एक नए ब्लॉग में। तो बाय बाय।